प्यारे बच्चों, आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं, ये बिहार का 2021 बैच का सिलेक्टेड दरोगा है। दरोगा समझते हैं, समाज का वो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे देखने के बाद रूह कांप जाती है और जय हिंद बोलने का मन करता है। प्यारे बच्चों, ये मेरा एकदम परम चेला है। आप सोचिएगा ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इनसे बहुत चीजें आपको मोटिवेट होने का इनसे मौका मिलेगा। कुछ बातें हैं जो इनसे मैं खुद सुनूंगा और आप भी सुनिएगा कि क्या आपने किया, कैसे आपने तैयारी की, क्या आप एक भूख की बात बता रहे थे कि ऐसी भूख थी हमारी सर, और क्या कमिटमेंट की बात आप बता रहे थे वो बच्चों को आप बताएंगे, कहां से हैं ये बताएंगे और फिर ये बातें करेंगे। जी, मेरा नाम श्रवण कुमार साहू है, मैं दरभंगा ननकार से बिलोंग करता हूं। मैं 2014 में सबसे पहले आया और सर का इंट्रोडक्शन मुझे मिला, सर के क्लास में मुझे ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और उसी का परिणाम है कि आज 2021 में 2019 बैच में मैं सेलेक्ट होकर दरोगा बना। उसके लिए मैं सबसे अहम योगदान सर को मानता हूं और उसके लिए तहे दिल से अपना थैंक यू सर को बोलता हूं। अब बात रही सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन मेरा जो है एक कहते ना पढ़ने की भूख, उस पढ़ने की भूख के कारण हुई और वो जो भूख दिन प्रतिदिन मेरा, जब तक मैं उस चीज को प्राप्त ना करूं तब तक मेरे अंदर वो और बढ़ती ही जा रही थी। मतलब इसीलिए लोगों को खाने की भूख, लेकिन मुझे खाने की भूख नहीं, मुझे सिलेक्शन की भूख थी और वो भी एक टाइम बाउंडेड में कि एक निर्धारित समय में मुझे सिलेक्शन होना है। मैंने अपने आप से एक वादा किया 2020 के में कि मुझे एक साल के अंदर हर हाल में सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन लेना है, चाहे किसी भी तरह से, चाहे डू और डाई। मैंने अपने आप से वादा किया और उसी का परिणाम है कि आज मैं सर का आशीर्वाद लेने के लिए दरोगा बन के उपस्थित हुआ हूं और जो कुछ भी आज मिला है वो सर का आशीर्वाद है। क्योंकि इसीलिए कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूं वो सर की बदौलत हूं, आज हूं मैं, कहते हैं ना आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है सर, आपको समर्पित है सर, आपको नमन है भाई, ये तो आपको नमन है, आपकी ज्ञान के लिए है, आपकी विनम्रता है। देखिए ये 2014 के बाद 18-19 तक ये अलग अलग चीजों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब 2020 में इनको लगा कि नहीं हमको दरोगा बनना है, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत पर्सनली जानता हूं मैं, जब भी ये बच्चा आता था तो हताश और निराश होकर आता था, लेकिन हिम्मत इसकी कभी कम नहीं होती थी, कहता था कि मैं कर लूंगा और बच्चे ने करके दिखा दिया। और ये आज समझिए कि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ऐसे शिष्यों को प्राप्त किया हूं जो शिष्य शायद ही किसी गुरु के लिए सौभाग्य के प्राप्त होते, आज वो मेरे लिए हैं। तो समझिए कि हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी 2-3 बातें हमको बहुत अच्छी लगी, कहते हैं डू एंड डाई, और एक बात आपने कही थी सेल्फ कमिटमेंट की, उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सेल्फ कमिटमेंट मींस कि अपने आप से वादा, हम किसी दूसरे से वादा करके मुकर सकते हैं या नहीं भी मुकर सकते, लेकिन अपने आप से वादा करके हम कभी मुकर नहीं सकते हैं, कभी नहीं मुकर सकते। आप कहां जाएंगे भाग के, अपने आप से वादा किया हुआ आप कभी आप से नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। सेल्फ कमिटमेंट से आप नहीं भाग सकते, खुद से कमिटमेंट कीजिए, इसलिए खुद से कमिटमेंट करें और दृढ़ निश्चय बने और अपने सफलता को या बस हंसते हंसते पाले। वेरी गुड, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, एक बार कमिटमेंट करके देखिए। आप एक चीज अभी बता रहे थे कि लॉकडाउन में जब आपका वीडियो आता था तो एक बार देखने से मेरा पेट नहीं भरता था, क्या बता रहे थे? जी जी, जब मैं 2020 में जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो आपका ऑनलाइन क्लासेस मुझे देखने का, यूट्यूब यूज करने का मौका मिला, तो मैं एक बार देखता था लेकिन उससे मेरा मन भरता नहीं था, तो मैं तुरंत उसको दोबारा देखता था, तब जाके मेरा मन थोड़ा सा सेटिस्फाई होता था। नहीं, इसलिए नहीं कि मैं तो पढ़ने में बहुत कमजोर, लेकिन नहीं, मेरे अंदर एक भूख ही ऐसी थी पढ़ने की कि मैं सर का वीडियो बार बार देखने का मन करता था और उससे उसमें जो भी निचोड़ मुझे अगर 1-8% छूट जाए तो उससे मैं पूरा का पूरा 100% कैच करने का प्रयास करता था और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर मैं तो उसमें दरोगा में साइंस का भी रोल है लेकिन और सब सब्जेक्ट का भी रोल है जी, तो उसको भी आपने पढ़ा होगा किसी न किसी गुरु से पढ़ा होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने से हुआ या किसी भी टीचर के पढ़ाने से नहीं होता मेरे दोस्त, ये खुद का एक कमिटमेंट होता है, एक सेल्फ कमिटमेंट होता है। टीचर 1-2% ही योगदान देते हैं, 98% इनका खुद का योगदान है। ऐसा नहीं कि मैं इनको लेके आया तो मैं कहता हूँ मैंने इनको दरोगा बनाया, दरोगा इन्होंने अपने सेल्फ कमिटमेंट के बदौलत किया जी। वाला ये कहते हैं कि सर हम आपसे मोटिवेट हुए, सर मोटिवेशन भी इन्होंने खुद दे रखा था, इन्होंने तो सेल्फ कमिटमेंट कर रखी थी कि मैं लेकर रहूंगा।
मैं करके दिखाऊंगा। यह कमिटमेंट था इनका खुद से, डू एंड डाई जिसके अंदर हो उसके कमिटमेंट को पूरा होने से भगवान भी सर रोक नहीं सकता, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तो इसे कहते हैं सर बच्चा, इसको कहते हैं शेर दिल बच्चा। तो प्यारे बच्चों आपको भी एक शेर दिल बच्चा बनना है, आपको भी डरना नहीं है और सेल्फ कमिटमेंट, खुद से भाग कर कहां जाओगे। ये बातें हमको इनकी बहुत अच्छी लगी। और रिविजन आप कैसे करते थे सर, एक शॉर्ट में बता देंगे? रिविजन में कंटिन्यूटी से बना के करता था, हर दिन सुबह को एक घंटा या दो घंटा खास करके मैं रिवीजन पे देता था कि नहीं आज या कभी भी उसको एक दिन के लिए भी मैं नागा नहीं करता था और रिवीजन में हमेशा करता एक, रहता दो था डेली रिवीजन करते। जी एक कम से कम एक घंटा तो मैं रोज रिवीजन करता ही करता था। और ऐसा नहीं कि मैं केवल एक ही सब्जेक्ट का, आज फिजिक्स का तो कल केमिस्ट्री का, कल बायोलॉजी का, इस तरह से एक शेड्यूल बना के रिवीजन करता रहता था हमेशा। सभी चीजों का रिवीजन करता रहता था। और साइंस का भी अहम योगदान है सर, साइंस में खास करके बायोलॉजी का, दरोगा में, दरोगा की परीक्षा में मुझे खास फायदा मिला उससे कि साइंस पर्सन जो मैं कुछ अच्छा किया तो उससे मुझे बहुत मदद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू सो मच।